हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए और SBI PO प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए। और ये क्लोज टेस्ट दूसरे सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मैं शेयर करूँगा कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। और यदि इन टिप्स को आप अप्लाई करते हैं रियल एग्ज़ाम में, तो क्लोज टेस्ट को आप विद इन सेकेंड्स एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.examinee.in, यहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं फ्री ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, तो उनको भी आप पढ़ें और उनसे नॉलेज गेन करें। इनसे डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। लेकिन क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए, क्लोज टेस्ट में आपको एक तो कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स को सर्च करना होता है, कीवर्ड्स आपको देखना होता है, प्रपोजिशंस आपको देखना होता है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना होता है, और आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और आपकी जो वोकैब अच्छी होती है वो होती है रीडिंग स्किल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें रीडिंग स्किल्स से आती हैं, ठीक है। इसलिए सारे लोग सजेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली फैकल्टी मेंबर्स जो रहते हैं, टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि रीडिंग स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को करने के लिए या पैराजम्बल को करने के लिए। तो इसके लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, इसका ई वर्ज़न भी आता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, ये क्लोज टेस्ट है और आपको काफ़ी लंबा सा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्लोज टेस्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगा। ट्रिक्स एक्चुअली कुछ नहीं होता, सिंपल लॉजिक आपको अप्लाई करना होता है। अब देखिए, यहाँ से आप पढ़ें, एवरी स्टेप टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विद रिगार्ड टू द टैक्स वॉज डीपली। देखिए, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, एक फास्ट तरीके से पढ़ रहा हूँ, बहुत फास्ट मैं पैरा को पढ़ रहा हूँ, इसी तरीके से आपको पढ़ना है और एट द सेम टाइम उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। मतलब बैंकिंग एग्जाम में आपको फास्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए, और जब आप रीड करें तो उसको आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, इसमें यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी स्टेप टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विद रिगार्ड टू द टैक्स वॉज डीपली चिदम्बरम अलीज्ड। अब देखिए, यहाँ तक आपने एक सेंटेंस पढ़ा और इसमें इसमें एक की वर्ड निकल के आया, अलीज्ड। अलीज्ड का मतलब होता है कि आरोप लगाया, चिदम्बरम अलीज्ड। पी चिदंबरम को आप जानते होंगे, कांग्रेस के ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और कांग्रेस के बहुत बड़े माने जाने जाने माने लीडर हैं ये चिदंबरम। तो इन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है। अब यहां पर कॉमन सेंस क्या बोलता है कि ये डिफरेंट पार्टी के हैं, ये कांग्रेस पार्टी के हैं और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी के ऊपर जब ये आरोप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ये निगेटिव बोलेंगे बीजेपी की पॉलिसीज के बारे में या स्ट्रेटजीज के बारे में, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पर ये कुछ भी इनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपोजिट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है कि अपोजिट पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ भी निगेटिव ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो निगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। ये आपने कीवर्ड देखा कि चिदम्बरम अलीज, ये कीवर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो निगेटिव वर्ड आएगा। तो एवरी स्टेप टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, GST के बारे में इसमें बात हो रही है। मतलब इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे क्लोज टेस्ट का, वो है GST, ठीक है। GST के बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा है और चिदम्बरम ने अलीज किया है कि बीजेपी ने जो GST के बारे में काम किया है उसके बारे में चिदम्बरम यहाँ पर अलीज कर रहे हैं। तो एवरी स्टेप टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, GST आने से पहले इसका एक बिल आया था, उसके बाद GST कानून बना। तो GST बिल के बारे में ये बोल रहे हैं, विद रिगार्ड टू टैक्स वॉज डीपली, मतलब चिदंबरम कह रहे हैं कि GST जो था, या GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था, वो डीपली था। डीपली क्या है, यहाँ पर एक एडवर्ब है, यानी यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। अब इन सभी में से आपको निगेटिव वर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ट्रस्ट वर्दी एक निगेटिव वर्ड नहीं है, प्रिसाइज एक निगेटिव वर्ड नहीं है, अप्रोप्रिएट एक निगेटिव वर्ड नहीं है, सफिशियंट एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, फ्लॉड और फॉल्टी, फॉल्टी मतलब जिसमें कुछ ना कुछ कमी या खामी है, फ्लॉ का मतलब भी होता है कमी, फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो फ्लॉड और फॉल्टी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। और क्यों होगा यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया, एक तो यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए, दूसरा मैंने बताया यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए,
क्योंकि यहां पर एक एडवर्ब लगा हुआ है, ये आप ग्रामर अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो फ्लॉड और फॉल्टी दोनों ही एडजेक्टिव भी हैं, नेगेटिव वर्ड भी हैं, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी यहां पर सही है। चिदंबरम बोल रहे हैं कि बीजेपी ने जो जीएसटी अप्लाई किया है उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, काफ़ी सारी कमियां हैं, फ्लॉड है वो और फॉल्टी है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ही क्लेम दैट द गवर्नमेंट इवन इग्नोर द एडवाइस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द जीएसटी नोटेबली ऑन द रेट्स। मतलब चिदंबरम आगे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एडवाइस को इग्नोर किया, पर्टिकुलरली रेट्स पर, जीएसटी के जो रेट्स इन्होंने बनाए हैं, जो स्लैब्स बनाए हैं। तो यहां पर इस सेंटेंस में इन्होंने अपनी बात को एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज प्रपोज बाय यूपीए इन 2006। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इस बारे में है कि चिदंबरम जो है वो कमेंट कर रहे हैं जीएसटी पॉलिसी पर, बीजेपी ने जो जीएसटी को क्रिएट किया है, जीएसटी को जो बनाया है, उस पर कमेंट किया जा रहा है चिदंबरम के द्वारा। द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई द यूपीए इन 2006। यहां पर चिदंबरम बोल रहे हैं कि जीएसटी वास्तव में यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2006 में, और कांग्रेस पार्टी इसका रियल प्रपोनेंट है, मतलब रियल इसको प्रपोगेट किया है या इसको प्रपोज किया है वो कांग्रेस ने किया है, यूपीए गवर्नमेंट ने किया है, एनडीए गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के थ्रू ये बता रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस चीज़ पर वो जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मार्किंग नहीं आएगा, रिफ्यू मतलब तो खंडन करना होता है, तो रिफ्यूट अगर डालेंगे यहाँ पर आप तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। रिजेक्ट, यहाँ पर ये रिजेक्ट या रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, यहाँ पर ये इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये इम्फेसाइज कर रहे हैं कि जीएसटी को वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया था 2006 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लगे आप, यहाँ पर आप लगाएंगे अंडरलाइंग और इम्फेसाइजिंग, ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर आपके अप्लाई हो सकते हैं। एक्सेंचुएटिंग का मतलब होता है हाईलाइट करना किसी चीज़ को, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइंग एंड इम्फेसाइजिंग वर्ड्स जो आएंगे वो एकदम सूटेबल रहेंगे। अंडरलाइंग दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द यूपीए इन 2006। द फोर टाइम फाइनेंस मिनिस्टर सेड एक्सपर्ट शुड बी गिवन अ फ्री हैंड इन ओवरहॉलिंग द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब उन्होंने आगे ये बोला है कि जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनको एक फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ताकि वो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो है, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के अंतर्गत ये आता है। तो उन्होंने कहा है कि फ्री हैंड्स मिलने चाहिए एक्सपर्ट को, ठीक है, इसको ओवरहॉल करने के लिए। मिस्टर फिक्सिट्स हैव बीन एट वर्क इन रिफॉर्मिंग द जीएसटी एज द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द जीएसटी द कांग्रेस पार्टी होप्स दैट द टास्क ऑफ थॉरली ओवरहॉलिंग द जीएसटी विल बी। अब थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आपको थोड़ा सा ग्रामर अप्लाई करना होगा। द टास्क ऑफ ओवरहॉलिंग द जीएसटी, जीएसटी को ओवरहॉल करने का जो टास्क है वो यहां पर उससे रिलेटेड एक वर्ड चाहिए। अब यहां पर एक प्रपोजिशन देख सकते हैं आप, टू, टू के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा। चिदंबरम कह रहे हैं कि जीएसटी को ओवरहॉल करने का जो टास्क है वो एक्सपर्ट्स को दिया जाना चाहिए, ठीक है। दिए जाने के लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, असाइंड, जैसे असाइनमेंट होता है स्कूल में, बच्चों को असाइनमेंट मिलता है, तो असाइंड वर्ड यहां पर एकदम सही है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर ये है कि असाइन के साथ टू वर्ड जाता है, असाइन टू, ठीक है, और असाइन से मिलता जुलता वर्ड है इंटरेस्टेड। यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि जीएसटी को सही करने का काम, जीएसटी को ओवरहॉल करने का काम एक्सपर्ट्स को दिया जाना चाहिए, तो इसलिए इंटरेस्टेड और असाइंड ये यहाँ पर आपका सही वर्ड्स होंगे, ठीक है। रेकन का मतलब किसी चीज़ को मानना या सपोज करना, कन्फर का मतलब देना, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना, डिवेस्ट ये इन्वेस्ट का उल्टा है, इम्पोज मतलब लगाना, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड जो असाइन वर्ड होगा वो सही होगा, ठीक है। ही ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ सजेशंस फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिलीफ। उन्होंने और बहुत सारे सजेशंस भी दिए कि इसको आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर इट्स, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इसकी जीएसटी की रेंज के अंदर लाया जाए। प्रोडक्ट्स अंडर इट्स क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पर यदि आप रीडिंग करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही वर्ड आ सकता है, वो है रेंज, और रेंज से मिलता जुलता वर्ड है, मतलब रेंज का इक्विवेलेंट वर्ड है एम्बिट। तो फोर्थ में आपका आएगा रेंज या एम्बिट। यहाँ पर ये मिलते जुलते वर्ड हैं, जैसे हैम बाउंड्री को बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बाउंड्री होती है, तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो होगा एम्बिट एंड रेंज। द टैक्स रेट शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू ए सिंगल रेट, मतलब टैक्स रेट्स में जो अलग अलग स्लैब्स हैं उसको एक ही रेट पर लाना चाहिए धीमे धीमे। द टैक्स रेट शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू ए सिंगल रेट विद विद फॉर ट्रूली मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज दैट एड्स टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ही सेड, एडिंग दैट ए सिंगल रेट मस्ट नॉट एक्सीड 18%। मतलब जो अलग अलग स्लैब्स हैं, 18% है, 28% है, वो अलग अलग जो स्लैब्स हैं, जो चार स्लैब्स हैं, उनको एक ही में मर्ज करना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए इसका, और सिंगल रेट 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो सोशल वेलफेयर को सोशल वेलफेयर में ऐड करती हैं, ठीक है, जो सोशल वेलफेयर में ऐड करती हैं ऐसी सर्विसेज हैं, उनको जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए। तो मुक्त रखने के लिए या फ्री रखने के लिए क्या वर्ड होता है? उसके लिए एग्जेम्पशन सही वर्ड है, एग्जेम्प्ट रखना चाहिए। इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट या इस तरह की कोई भी सर्विस जिससे सोसाइटी के वेलफेयर में एड वैल्यू एडिशन होता है, उन सभी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखना चाहिए। तो एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन ये दोनों सेम वर्ड है। एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना, एक्सेप्शन मतलब भी छूट देना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक्सेप्शन, ठीक है। एमनेस्टी माने माफ़ करना होता है। इम्प्यूनिटी का मतलब भी वही होता है, पनिशमेंट को मतलब उसको एग्जेम्प्ट कर देना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फॉर्मल वर्ड चाहिए आपको, और जो फॉर्मल वर्ड है वो एग्जेम्प्शन। एग्जेम्प्शन का एक्चुअली टैक्स में यूज़ होता है। एग्जेम्प्शन जो वर्ड है ये टैक्स रिलेटेड वर्ड है, और यहाँ पर आपको टैक्स रिलेटेड वर्ड चाहिए, ठीक है। जैसे लाइबिलिटी भी, लाइबिलिटी और असेट ये भी टैक्स रिलेटेड वर्ड्स हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब भी एग्जेम्प्शन ही होता है, लेकिन ये टैक्स रिलेटेड वर्ड नहीं है। टैक्स रिलेटेड वर्ड यहाँ पर एग्जेम्प्शन और एक्सेप्शन दो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। इस तरह का क्लोज टेस्ट आपसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में और एसबीआई पीओ में आपसे पूछा जा सकता है, और एसबीआई पीओ 2019 की वैकेंसीज आने वाली हैं, और इसके लिए एक मैंने एक नया टारगेट बैच इंग्लिश और करंट अफेयर्स के लिए अभी लॉन्च किया है। तो इसको आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इंस्टामोजो का पेज है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसकी फ़ीस 2650 रुपये है 1 साल के लिए, लेकिन जैसे ही वैकेंसी आती हैं एस बी आई पी ओ की, तो मुझे इस फीस को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो फीस है ये काफ़ी कम है, और बेसिक जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें पूरे नहीं हो पाते। लेकिन अभी फॉर द टाइम बींग आप इसी फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इस साइट को आप ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, और ब्लॉग सेक्शन में जाके आप इंग्लिश सेक्शन के सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। ये मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर हैं, इसके इसके थ्रू आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना फीडबैक यदि आप देना चाहें तो इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएँ। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।